हम दिन भर में जो भी खाते हैं, चाहे वो हेल्दी हो या फिर अनहेल्दी, उन सब में हमें मारने की कैपेबिलिटी जरूर होती है। बस हमें उसे एक एक्सेस अमाउंट में खाना होता है। सॉल्ट, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम उसे 3 ग्राम पर केजी और बॉडी वेट के हिसाब से खा लें तो हमारा दम वहीं टूट जाएगा। अगर हम 4.5 लीटर पानी एक साथ पी लेंगे तो हमें समय नहीं लगेगा और हम धरती को चूमने लगेंगे। पर एक नॉर्मल इंसान शायद इन चीजों को करने की कोशिश न ही करे, और अगर कोई इंसान इसका 1/3 इंटेक भी कर लेता तो उसकी बॉडी उसे उल्टी करवा कर उसे ये करने से रोक देती है। पर ऐसे कई सारे पदार्थ इस दुनिया में इतने खतरनाक है कि इनका माइक्रोस्कोपिक अमाउंट भी दर्जनों की जान ले सकता है। इवन वो पदार्थ बॉडी में चले जाए तो उन्हें डिटेक्ट करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस कारण अगर वो पदार्थ किसी की बॉडी में चले जाए तो उसे बचाने की सारी पॉसिबिलिटीज अनसक्सेसफुल हो जाती है। इसमें वो व्यक्ति तड़पता रहेगा पर उसे बचाने का कोई साधन नहीं होगा। तो चलिए जाने उन पदार्थों के बारे में जिनके 1 ग्राम के 1 मिलियंथ पार्ट का भी सेवन करने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको मिलवाता हूँ पोलोनियम नाम के एक एलिमेंट से, एक दुर्लभ रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसका हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है, वो अभी 138 दिन का। इस दौरान पोलोनियम भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। सिर्फ इसका 1 ग्राम 140 वाट पावर जनरेट कर सकता है। इसकी यही क्वालिटी की वजह से स्पेसक्राफ्ट में हीट और एनर्जी के लिए इसे यूज किया जाता है, जिससे कि वो आसमान को चीरता हुआ अंतरिक्ष में चले जाए। इसकी एक और क्वालिटी है कि यह जितना रेडिएशन रिलीज करता है वह सारे रेडिएशन शॉर्ट डिस्टेंस तक ही सीमित रहते हैं और इसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। इस कारण अगर आप इससे एक सेफ डिस्टेंस में रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला। पर अगर आप पोलोनियम को थोड़ी सी भी आप हवा के थ्रू इनहेल कर लें या फिर गलती से खा लें तो शायद इस धरती पर आपकी आंखें दोबारा खुले। इसे डिटेक्ट करना भी काफी ज्यादा हार्ड है। इवन ये अगर कम अमाउंट में हवा में भी हो तो ये डिटेक्ट नहीं होता, और बॉडी में जाने के बाद इसे डिटेक्ट करना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। ये बॉडी में चले जाए तो ये धीरे धीरे आपका सत्यानाश करना शुरू कर देता है। पहले आपकी बॉडी में फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स दिखेंगे और डॉक्टर को लगेगा कि ये तो सिंपल फूड पॉइजनिंग है, तो वो आपको इसके लिए कॉमन मेडिकेशन देगा। पर डॉक्टर को असली डेंजर का अंदाजा तब लगेगा जब अचानक से आपके बाल भारी मात्रा में झड़ जाएंगे। पोलोनियम से पॉइजनिंग के कई सारे केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 2006 का एक फेमस केस है जब रशिया के अलेक्जेंडर लिटविनेंको की चाय में पोलोनियम के ट्रेस मिले हुए और उन्होंने इसे पी लिया था। इसके बाद उनके बॉडी के ऑर्गन्स में पोलोनियम के जाने से वहां पर माइक्रो बम्बार्डमेंट होने लगे थे, जिससे कि इनकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग भारी मात्रा में होने लगी। साथ ही उन्हें नौजिया होने लगा था और बॉडी काफी दर्द कर रहा था। पोलोनियम के बॉडी के अंदर जाने से अगर उस इंसान को 4 घंटे के भीतर अगर एक अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है तो वह इंसान बच सकता है, वरना फिर सब खत्म। हमारी बॉडी के कुछ स्पेशल हड्डियों में बोन मैरो होता है, जिसे कि रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, वही व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे लिए बीमारियों से लड़ते हैं। पर पोलोनियम के बॉडी में जाते ही इसके रेडिएशन बोन मैरो पर बहुत ही गहरा इफेक्ट करते हैं, जिससे कि बोन मैरो रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल नहीं बना पाता और ब्लड पतला होता जाता है। और 4 घंटे के भीतर ब्लड की हालत ऐसी हो जाती है कि वह ब्लड शरीर को फिर जिंदा रखने के लिए काबिल नहीं हो पाता, क्योंकि अब ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है और धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। पोलोनियम का सिर्फ 1 माइक्रोग्राम एक इंसान का अंत करने के लिए काफी है। पोलोनियम तो खतरनाक पदार्थ का एक छोटा सा नमूना है, क्योंकि बॉटुलिज्म बैक्टीरिया तो इसका भी बाप है। यह बैक्टीरिया पोलोनियम से 500 गुना ज्यादा टॉक्सिक है। 2013 में कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ को कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स मिले थे, जो कि एक बच्चे के थे जिसे कि बॉटुलिज्म नाम की बीमारी हुई थी। पर इस सैंपल के रिसर्च से बैक्टीरिया से एक सब्सटेंस मिला और इस सब्सटेंस का नाम था बॉटुलिनम टॉक्सिन ए, जिसके बारे में यह पता चला कि यह काफी खतरनाक है। यह एक ऐसा सब्सटेंस था जिसे कि मॉडर्न मेडिसिन से नहीं खत्म किया जा सकता, इसलिए डॉक्टर्स ने इस बैक्टीरिया के डीएनए को प्रिजर्व कर लिया है और सीक्रेट रख दिया, क्योंकि अगर ये डीएनए किसी गलत हाथ में आ गया तो इसका इस्तेमाल बायो वेपन के लिए होने लगेगा और फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा। इस बैक्टीरिया का सिर्फ 2 नैनोग्राम ही एक इंसान को खत्म कर सकता है। इससे बड़ा साइज तो हमारे खून में बहने वाले एक रेड ब्लड सेल का साइज होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक बायो वेपन का नाम है वीएक्स गैस। यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर वीएक्स गैस को एक इंसान की जान लेने के लिए 10 मिलीग्राम की क्वांटिटी लग जाती है, जो कि बॉटुलिनम टॉक्सिन ए के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है।
अगर 10 मिलीग्राम के अमाउंट में बॉटुलिनम टॉक्सिन फैल जाए तो इतनी क्वांटिटी में तो वह कई देशों की आबादी को तो पूरी तरह से खत्म कर दे। अगर यह टॉक्सिन आपकी बॉडी में चले जाए तो यह मसल के मूवमेंट को धीरे धीरे बंद कर देता और पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती और मृत्यु हो जाती। पर इसी जहर का यूज कॉस्मेटिक की दुनिया में बहुत हो रहा और लोग इंजेक्शन के थ्रू काफी कम मात्रा में इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं जिससे कि झुर्रियां खत्म हो जाती है, क्योंकि फेस मसल इस इंजेक्शन से टाइट हो जाता है और स्किन का लटकना बंद हो जाता है। इसे बोटॉक्स इंजेक्शन कहा जाता है। अब हम डिटेल में जानते हैं कि यह टॉक्सिन अगर बॉडी में चले जाए तो इसका इफेक्ट बॉडी में कैसे होगा। इसके बॉडी में जाने के 12 से 36 घंटे के भीतर आपकी आईलिड का खुलना बंद हो जाएगा और आपको दिखना बंद होने लगेगा। यह टॉक्सिन असल में ब्रेन के एक नर्व को अटैक कर देता है जो कि आईलिड के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। उसके बाद आपके कॉलन के मसल जाम होने लगेंगे जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। इस टॉक्सिन की प्रॉब्लम यह है कि यह आपके ब्रेन में ज्यादा फर्क नहीं डालता, मतलब आपकी बॉडी में जो जो डैमेजेस होंगे इसको आप फील कर पाएंगे, तो सोचो वह कितना खतरनाक पल होगा। और कोई दवाई या ट्रीटमेंट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। आपके शोल्डर पैरालाइज होने लगेंगे, आपके लंग का डायफ्राम भी सख्त होता जाएगा जिससे कि अब आपको सांस लेने के लिए वेंटिलेशन की जरूरत पड़ने लगेगी। आपके चेस्ट मसल जहां पर आपके लंग को सिकुड़ने या फिर फुलने में हेल्प करते हैं, पर चेस्ट मसल के सख्त होने के बाद जब लंग का सिकुड़ना रुक जाएगा तो आपको ऐसा लगने वाला है कि आपके ऊपर 200 केजी का इंसान बैठ गया। लंग के खराब होने की वजह से ऑक्सीजन अब ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा जिससे कि आपके ऑर्गन्स डैमेज होने लगेंगे, और तब भी आपका दिमाग कॉन्शियस रहेगा और ये सब चीजें फील कर पाओगे। और कुछ देर बाद ऑक्सीजन नहीं मिलने से आपके ब्रेन के सारे नर्व्स डैमेज होने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके सारे ऑर्गन ब्रेन सहित डैमेज हो चुके होंगे और आपका अंत हो चुका होगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।